किस किस का ये पर्पज़ ऑफ लाइफ है, खुश रखना और खुश रहना? अच्छा, पहले खुश रखना फिर खुश रहना, या खुश रहना फिर खुश रखना? दोनों साथ में साथ में है। इक्वेशन, खुश रखना फिर खुश रहना, या खुश रहना फिर खुश रखना? खुश रहना फिर खुश रखना, या दूसरों को खुश करना फिर वो खुश हो जाएं तो हम खुश होंगे? किया 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 किया, सबके लिए बहुत किया ताकि वो खुश हो जाएं, ताकि जब वो खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे कि हमने सबको खुश किया। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, आज भी सारे खुश नहीं हैं। हर एक को कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो मन कहता है अभी क्या करेंगे और सबको खुश करने के लिए, कैसे होगा कि सारे संतुष्ट हो जाएं? क्योंकि जब सारे संतुष्ट होंगे देन आई विल बी हैप्पी। किस किस को ऐसा मिला कि सारे उनसे हमेशा संतुष्ट है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई। तो क्योंकि सारे हमसे संतुष्ट नहीं होते, हमारी संतुष्टता भी पेंडिंग ही रह गई। तो इसलिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खुश करना फिर खुश रहना, या खुश रहना फिर खुश करना? औरों को खुश करे बिना पहले हम कैसे खुश हो सकते हैं? औरों को खुश करे बिना पहले हम खुश हो जाएं? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। जीवन में चेक करना हमेशा इक्वेशन क्या रखे थे, और क्योंकि वो इक्वेशन, इसीलिए रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। तो वन इज दैट, खुश रहना फिर खुश करना, और जो खुश रहता है उसको खुश करना नहीं पड़ता किसी को। कैसे खुश करेंगे? हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। इवन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर देखें, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते हुए साथ में चिंता भी करते हैं, साथ में गुस्सा भी करते हैं, साथ में डर भी लगता है कभी कभी। ये सब चीज़ें भी हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाती हैं। तो हम सब कुछ करते भी हैं लेकिन साथ में अपना तनाव, अपनी चिंता, अपना गुस्सा वो भी देते हैं। तो जो हम उनके लिए करते हैं उनको वो मिलता है, और जो हम यहाँ बनते हैं वो वाइब्रेशन उनको मिलता है। तो जो हमने उनके लिए किया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो आज भी पूरी तरह से हमेशा खुश नहीं है, क्योंकि सब कुछ करते हुए हमने यहाँ से क्या भेजा? तो हमने उनके लिए किया, साथ में चिंता भी दी, डर भी दिया, दर्द भी दिया। यही अगर हमने खुश रहकर सब कुछ किया होता तो हमने किया भी होता और साथ में खुशी की वाइब्रेशन भेजी भी होती है। खुशी एक परफ्यूम की तरह है, अगर वो परफ्यूम आपने लगा ली तो औरों को आपको उसकी खुशबू देनी नहीं पड़ती, वो खुशबू तो अपने आप दूसरे को मिल रही है। लेकिन अगर टेंशन की खुशबू लगा ली तो फिर आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन खुशबू तो फिर भी टेंशन वाली ही मिलेगी, खुशी की तो मिलेगी नहीं। तो जिसने खुशी की फ्रेग्रेंस लगा ली उसको किसी और को खुश करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसको सिर्फ सारा दिन क्या कहना करना है, खुश रहना है हमेशा। इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? अभी जो बहनों ने डांस किया ना प्यारा सा, फिर आपने देखा उन्होंने नीचे आके एक एक चिटकी दी थी सबको, तो वो चिटकी में एक एक अलग अलग ब्लेसिंग था, हर एक को अलग अलग मिला था।
तो भाई साहब को सामने बैठे ब्लेसिंग मिला, सदा प्रसन्न रहना। तो भाई साहब ने कहा यही तो मेन बात है, सदा खुश रहना। पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? टेंशन आते हैं या टेंशन करते हैं? एक एक लाइन जीवन का भाग्य बदलती है। अब व्हेन आई से टेंशन आते हैं, मतलब टेंशन आते हैं, मेरी कोई गलती नहीं, टेंशन आते हैं, टेंशन आते हैं या टेंशन हम क्रिएट करते हैं? मोस्टली आते हैं। कहाँ से? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो राइट है, सो स्वीट। पता ही नहीं कहाँ से आते हैं। अगर पता ही नहीं होगा कहाँ से आते हैं, फिर उसको फिनिश कैसे करेंगे? किसको? भाई साहब कितना स्वीटली कहते हैं, उसको छोड़ भी तो नहीं सकते टेंशन को। अगर टेंशन को छोड़ेंगे नहीं तो खुश कैसे रहेंगे, और अगर खुश रहेंगे नहीं तो औरों को खुश करेंगे कैसे? फिर तो पर्पस ऑफ लाइफ कि मुझे सबको खुश करना है, अपने परिवार को खुश रखना है, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा फिर। तो टेंशन आ जाती है इसलिए खुश नहीं रह सकते, और कहाँ से आती है वो भी नहीं हमें पता है। हाँ जी, मेरे पास टेंशन आती नहीं कहीं से क्योंकि मुझे वो समझ में आ गया कि वो बाहर से नहीं आती है। जब तक ये सोचते थे कि वो बाहर से आती है, तब तक अपने कंट्रोल में कुछ नहीं। जब ये समझ में आ गया वो सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पे डिपेंडेंट है, तब उसको फिनिश करना बहुत इजी हो गया। हाँ जी, क्या आया आपकी चिटकी पे? चिटकी में से निकला आंसर। सिंपल इक्वेशन है, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? हेल्थ में ऊपर नीचे हो सकता है, कारोबार में ऊपर नीचे हो सकता है, मौसम ऊपर नीचे हो सकता है, बाहर से प्रॉब्लम आती है, लोग व्यवहार ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सामने से आता है, लेकिन ये सब कुछ बाहर है। टेंशन कहाँ क्रिएट होती है? यहाँ। अब अगर 1, 2, 3, 4, 5 पांच लोगों के सामने सेम प्रॉब्लम आए, तो पांचों सेम टेंशन क्रिएट करेंगे? पांच के सामने सेम प्रॉब्लम आए, पांचों सेम टेंशन क्रिएट करेंगे? नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम टेंशन लाती है, अगर प्रॉब्लम टेंशन लाती है, तो वो पांचों को सेम ही टेंशन देगी ना, तो वो पांचों अलग अलग टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? चलो पांचों छोड़ो, सेम व्यक्ति के सामने दो अलग अलग दिन पे सेम प्रॉब्लम आती है तो भी सेम टेंशन नहीं क्रिएट होती। तो माइंड फ्रेम, तो टेंशन कहां से क्रिएट हुई? तो मतलब बाकी प्रॉब्लम की लिस्ट तो खत्म हो गई कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। दिस इज मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये मुक्ति है जिसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो 100% सारा मेरी रचना है, उसकी जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। जिसने ये सोचा कि यहाँ जो चल रहा है वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो तो सारा दिन सबके सामने खड़ा रहता है, प्लीज़ बी नाइस टू मी, प्लीज़ मेरे से प्यार से बात करो, प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट दो, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, और वो करते भी हैं, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसे करो। होता है कि नहीं? हम बच्चों को कहते हैं आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं ऑफकोर्स हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर रिस्पेक्ट करते तो आप हमारा हर कहना मानते ना, तो अगर आप मेरा कहना नहीं मानते मतलब आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। फिर धीरे धीरे कहते हैं आप मेरी वैल्यू भी नहीं करते कोई, फिर धीरे धीरे मन कहता है मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या किया था, उन्होंने कोई हमारी राय
जो उनकी सोच से मैच नहीं की थी उसको स्वीकार नहीं किया, हमारा मन कहां तक पहुंच गया, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये सारी किसने क्रिएट किया, सारा किसने क्रिएट किया, हमने। तो टेंशन कौन क्रिएट करता है, जब ये हो गया ना फाइनल कि टेंशन हम क्रिएट करते हैं, तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम से सिर्फ एक पर आ जाते हैं। तो टेंशन कौन क्रिएट करता है, मैं। गुस्सा कौन क्रिएट करता है, गुस्सा कौन क्रिएट करता है, मैं। हर्ट कौन क्रिएट करता है, मैं। खुशी कौन क्रिएट करता है, खुशी कौन क्रिएट करता है, खुशी कौन क्रिएट करता है, मैं। शांति कौन क्रिएट करता है, मैं। लेकिन हम सब चीजों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए भी दूसरों को जिम्मेवार ठहराते, खुशी ढूंढने के लिए भी बाहर जाते, शांति ढूंढने के लिए भी दूर दूर जाते, दूसरे देशों तक होकर आते, यहां से खुशी मिलेगी, क्योंकि इंडिया के सारे डेस्टिनेशन तो कवर हो गए हमारे, अभी हम कहाँ जाएंगे। तो दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देश भी कवर हो गए, अभी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं नेक्स्ट टाइम किधर। वी ऑलवेज लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। ये बाहर नहीं मिल सकती चीज, हॉलिडे मिल सकता है, हॉलिडे बाहर मिल सकता है, खुशी बाहर नहीं मिल सकती, क्योंकि खुशी, शांति, प्यार, ये सब क्या है, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। एनर्जी कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ। कुछ लोग हॉलिडे पे जाकर भी झगड़ा करके वापस आते हैं, कुछ लोग हॉलिडे पे जाकर ऑफिस से ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करके वापस आते हैं। इट्स नथिंग टू डू विद व्हाट वी आर डूइंग आउटसाइड। जब इस दुनिया और इस दुनिया का कनेक्शन तोड़ेंगे ना, विच मीन्स बाहर जो चल रहा है उसका मेरी मन की स्थिति से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। क्या हम या हम में से कभी कभी कोई परफेक्ट सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच लेते हैं, हाँ, सिचुएशन परफेक्ट है लेकिन उनको उसमें कुछ दिख जाता है गलत सोचने के लिए। तो अगर हम परफेक्ट सिचुएशन में नेगेटिव सोच सकते हैं, तो क्या हम इम्परफेक्ट सिचुएशन में सही सोच सकते हैं, यस। उसके लिए हर रोज अपने आप को ये पता नहीं कितनी बार याद दिलाना होता है, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये एक लाइन भूलने की वजह से हम सारा दिन कह रहे हैं, आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ, मतलब यहाँ सब कुछ हो रहा है इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड फ्लक्चुएट हुआ तो हम भी फ्लक्चुएट हुए, क्योंकि यहाँ हमने अपनी पावर यूज करनी बंद कर दी थी। हमारे अंदर चलने वाली सोच कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ कोई खड़ा है, जोर जोर से मुझे डांट रहा है, मेरे साथ गलत बात कर रहा है, मुझे धोखा भी दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है, गाली भी दे रहा है, वो यहीं खड़े होके कर सकते हैं सब कुछ, यहाँ घुस सकते हैं। कैन एनीबडी गेट इनसाइड हियर। वो हम सोच रहे हैं, ये जो व्यक्ति है क्या वो यहां कुछ क्रिएट कर सकता है, श्योर 100%? उनकी पावर कहां तक है? हमेशा पता होना चाहिए सामने वाले की कितनी पावर है और मेरी क्या पावर है। उनकी पावर कहां तक है? यहां खड़े होकर जो करना है वो सारी पावर उनकी है, यहां वो कुछ नहीं कर सकते। यहां की पावर किसकी है, मेरी। कई बार यहाँ खड़े होके लोग मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा कुछ व्यवहार कर रहे हो, फिर मैं अंदर से सोचती हूँ क्या चाहिए इनको आज मेरे से, क्यों इतना अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका और इधर का कोई कनेक्शन नहीं है।
वो इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इतना सही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मैंने गलत सोचने का मूड बनाया हुआ है। तो मैंने कहा इनको क्या चाहिए आज, ये ऊपर से इतना मीठा मीठा क्यों बात कर रहे हैं, कभी तो करते नहीं, पक्का इनको कुछ चाहिए होगा। वो परफेक्ट है, मेरी सोच गलत है। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि वो यहाँ खड़े होकर गलत 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 व्यवहार करें और मैं अंदर से सोचूं कितने परेशान हैं, इसीलिए तो ऐसा बात कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ सेइंग वो ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली मैं हर्ट होंगी ना। हम बोलते हैं ना ऐसा, ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट, ऑब्वियसली आई विल फील बैड, देयर इज नथिंग ऑब्वियस, इट्स अ चॉइस। लेकिन हम, आप दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा पीछे का, क्लोज दैट डोर, पीछे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए उसको। ऑब्वियस कुछ भी नहीं है, हमारी वोकैबुलरी बन गई है ऑब्वियसली आई विल फील बैड, और फिर हमारे आसपास के लोग भी उस टाइम कहते हैं ऑब्वियसली उन्होंने व्यवहार ही ऐसा किया। देयर इज नथिंग ऑब्वियस अबाउट वॉट वी फील। जब हम ऑब्वियस कहते हैं तो हम कह रहे हैं चॉइस कुछ नहीं है, उनका व्यवहार तो हर्ट तो नेचुरल है। मशीन नहीं है यहाँ कि इन्होंने बटन दबाया तो वो वैसे चलती है, चॉइस है यहाँ, एनर्जी बैठी है जो क्रिएट करती है कि जब ये ऐसा व्यवहार करेंगे हाउ विल आई थिंक। तो क्या ये हो सकता है कि ये गलत व्यवहार करें और हम अच्छा सोचें? कौन कौन कर सकता है, बाकी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, कोई आपसे गलत तरह से बात करे, चलो सोचने का भी छोड़ते हैं, क्या आप उससे प्यार से बात कर सकते हैं? आप एक यहाँ आए हॉल में, आप किसी की तरफ जा रहे थे उससे मिलने के लिए, और उन्होंने आपको देखा और ऐसे करके उस तरफ हो गए, तो क्या आप उनके पास जाकर उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? मुश्किल है। तो मुंह तो उन्होंने घुमाया, वो बीमार है, हमें क्या हुआ? चेक चेक चेक, यू नो व्हेन वी से मुश्किल है, क्या मुश्किल है? कोई बीमार है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो मुश्किल क्या है? क्या मुश्किल है? हाँ जी, ईगो क्या बोलेगी? हाँ जी, ईगो बोलेगी उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों करूं? ईगो को कहना बिकॉज पर्पज ऑफ माई लाइफ इज टू बी हैप्पी ऑलवेज, दैट इज पर्पज ऑफ माई लाइफ। क्योंकि अगर हर बीमार को देख देख कर मैं बीमार होने लग गए, एटलीस्ट बड़ी बड़ी बातों के लिए बीमारी को छोड़ेंगे ना, ये छोटा छोटा कोई ऐसा करेगा और हम बीमार होने लग गए तो फिर तो पर्पज ऑफ लाइफ से बहुत दूर होने लग जाएंगे। उनका मन परेशान है, अशांत है, हर्ट है, उदास है, नाराज है, उन्होंने ऐसा किया, हमको क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूसरे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ कॉपी करके हम भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि हम उनसे जाकर प्यार से बात करें? अगर सामने आपके एक दुकान है और आपकी भी दुकान है, और सामने वाला दुकानदार ऐसे बिजनेस कर रहा है कि उसका लॉस ही होता जा रहा है, लॉस ही होता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं वो भी कर रहा है, मैं भी ऐसे वाला ही करूंगा, ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे कभी? हम कहेंगे अरे वो लॉस कर रहा है, मेरे को और चांस मिल गया प्रॉफिट करने का। कोई गलत कर्म करे वो मौका है अच्छे कर्म करके दुआएं कमाने का, वो ही तो बिजनेस है। अगर सब हमारे साथ अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो ना आते, वो ना आते तो हम मेहनत करके अपने अहंकार को कैसे घटाते हैं, कैसे घटाते हैं? तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए तो मैंने अपने ईगो को क्या किया,
घटाया और मेरा ईगो घटा, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी, मतलब मैं इमोशनली हेल्दी होने लग गई। तो अब उनको याद करके जरा एक सेकंड में फटाफट उनको थैंक यू भेजो, थैंक यू भेजो, थैंक यू हमेशा सबका, लेकिन जो हमारे साथ अच्छे हैं उनका तो थैंक यू, लेकिन जो हमारे साथ उतने अच्छे नहीं है उनका ज़्यादा थैंक यू। अच्छा, यहाँ बैठ के सिंपल लग रहा है? यहाँ इसलिए सिंपल लग रहा है क्योंकि वो है ही सिंपल, हमने ही बाहर जाके उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्या मुश्किल है, चलते 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 दो लोग चल रहे थे, ये सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, एक गिर गया तो क्या दूसरा भी गिरता है साथ में? क्या आप गिरे तो हम क्यों नहीं गिरेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। आप गिरे तो हम क्या करेंगे, हम आपको उठाएंगे, संभालेंगे। ये तो हम सारा दिन कर रहे हैं, ये तो हम सारा दिन कर रहे हैं। तो कोई इमोशनली गिरा, कोई इमोशनली गिरा तो हम क्या करेंगे साथ में, तो हम उनको उठाएंगे, उनको भी संभालेंगे, उनका भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप गिरे तो मैं क्यों ठीक से चलूं। एक चीज अगर कर ले कि दूसरों के व्यवहार को कॉपी करना बंद किया, सारा दिन खुश रहना पॉसिबल हो जाएगा, सारा दिन खुश रहना पॉसिबल हो जाएगा।